महाराष्ट्र राज्य का कोरोना को लेकर बड़ा फैसला। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी की गई है नई गाइडलाइन। किया वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा संपूर्ण कर्फ्यू। इस नए फैसले के बाद रेस्टोरेंट में रहेगी सिर्फ पार्सल सुविधा की अनुमति। वहां बैठकर खाने में लगी रोक। सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारी घर पर ही करेंगे काम। बाजारों और औद्योगिक इकाइयों पर नहीं रहेगा कोई भी प्रतिबंध। महाराष्ट्र सरकार ने लगाए गए इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन अभियान का नाम दिया है। नहीं संभल रहे स्थिति, बिगड़ रहे हालात। नागपुर जिले में एक दिन में 4,410 पॉजिटिव आए सामने, जिसमें शहर के हैं 2,906, ग्रामीण के 1,200 और जिले के बाहर के हैं 4। लगातार बढ़ रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। रविवार को 62 लोगों की गई जान, जिसमें शहर के 29, ग्रामीण के 29 और जिले के बाहर के हैं 4 शामिल। नागपुर जिले में शहर के साथ ही ग्रामीण की स्थिति भी दिन ब दिन हो रही है बदतर। ग्रामीण में कुल मरने वालों की संख्या 1,093 पर पहुंची। नागपुर में अब तक कुल 2,41,606 पॉजिटिव मरीज आए सामने। 41,371 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए सामने। अब तक 5,327 मरीजों की गई है जान। नागपुर में 31,793 मरीज होम क्वारंटाइन। 9,578 मरीज अस्पताल में है भर्ती। कुछ लोग वैक्सीन लगाने के बाद शहर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए बिंदास घूम रहे हैं। सरकार ने वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने की लोगों के निर्देश दिए थे। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर अवैध रूप से पंजीयन कर वैक्सीन लगाने के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय ने दी जानकारी। राज्य के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चाओं के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का पंजीयन बंद करने का आदेश सामने आया है। जिनका वर्कर्स का हो चुका है काम और पंजीयन, उन्हें टीका लगाया जाएगा। शहर के मेडिकल की कैजुअलिटी में बेड की हो रही है कमी। एक ही बेड पर दो दो मरीजों का हो रहा है इलाज। कोविड नॉन कोविड मरीजों का एक ही कमरे में हो रहा है इलाज। शहर के मेंटल हॉस्पिटल में 17 मनोरोगी हुए कोरोना संक्रमित। अस्पताल प्रशासन ने नहीं उठाए कोई ठोस कदम। कुछ रेस्टोरेंट और बार पर नहीं हो रहा था कोरोना नियमों का पालन। रविवार को 4 बार और रेस्टोरेंट पर की गई कार्रवाई। शहर में दिन ब दिन बढ़ रहा है गर्मी का पारा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 40.2 पर किया गया दर्ज। न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री पर किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने दी जानकारी। मनपा प्रशासन का अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई का अभियान हुआ सुस्त। रविवार को एक ही जोन में दो प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई। वसूला गया 10,000 रुपए का जुर्माना। शहर के टीकाकरण केंद्रों पर हो रही है अव्यवस्था। कड़कड़ाती धूप में खड़े रहने पर मजबूर हुए लोग। कामठी रोड के होप अस्पताल में हुए तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। मरीज के उपचार में लापरवाही और बिल को लेकर हुआ था झगड़ा। गुरुद्वारा रेलवे ब्रिज अभी भी नहीं हुआ है शुरू। बीते 5 महीने से अधिक समय से चल रहा है काम। लोगों की आवाजाही हो रही है प्रभावित। दो युवतियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला आया सामने। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र और दूसरी घटना हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में हुई है। मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियां कर रही है ग्राहकों को परेशान। बिना किसी अल्टीमेटम के बंद हो रहे हैं सिम।